चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाएंगे ग्लास ढोकला। उसमें स्टफिंग भी होगी और ढोकला बेटर भी बनेगा। तो फर्मेंटेशन के लिए हम 3:1 का मेज़रमेंट से राइस एंड दाल, राइस और चना दाल और थोड़ा मिक्स दाल पाव कप लिया है। बहुत अच्छा फर्मेंटेशन ग्राइंड करने के बाद आ जाएगा। उसे 4 घंटा सोक करना है और ग्राइंड करना है। और फिर आलू स्टफिंग के लिए आलू बॉईल करके उसमें मसाले डाल के उसके रोल बनाना है। और ये 8 घंटे के बाद बहुत अच्छा फर्मेंटेशन आ गया। उसमें अदरक मिर्ची लहसुन पेस्ट हींग एंड हल्दी डाल दिया और ग्लास को और वाटी को थोड़ा उसमें ऑयलिंग कर दिया है। ये करने के बाद हम उसमें थोड़ा सा बैटर डाल के जो आलू का रोल बनाया ना वो भी अंदर रखेंगे, तो हमारा स्टफिंग ढोकला बहुत अच्छे से बन जाएगा और ग्लास ढोकला बनेगा। ये रोल बना दिया है और अब ये बैटर है ना उसमें हम थोड़ा सा ऑयल और सोडा, बेकिंग सोडा जो दाल में डालते हैं ना वो डालना है। और उसमें दोनों मिक्स करके थोड़ा सा पानी मिला के बैटर में मिक्स कर देंगे तो हमारा ढोकला बहुत ही मस्त मज़ेदार नरम नरम बनेगा। और ग्लास में हमने आधा बैटर भर लिया है और एक जो आलू का रोल बनाया ना वो उसमें रख देंगे और उसके ऊपर हम फिल कर देंगे थोड़ा सा बैटर डालकर और इसे हम स्टीम करेंगे। तो मज़ेदार बन गया ढोकला बनेगा। आप भी बनाइए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कैसा बना। मैंने तो आज खाया, बहुत सुंदर लग रहा है। अगर ग्लास नहीं है दूसरा तो वाटी में भी आप कर सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों दिखाया है आपको। तो उसमें छोटा रोल बनाना और कुछ नहीं, वाटी में भी बना सकते हैं और थाली में भी बना सकते हैं। तो ये हमारा ढोकला रेडी हो गया। और आपने पतीले में भी पानी डाल के उसके अंदर थाली में भी ये बैटर डाल के उसमें भी बना सकते हैं। कई तरह का ढोकला बनता है। और अभी इसे हमें ढक्कन से बंद करके उसे स्टीम करने के लिए 10-12 मिनट रख देंगे। स्टीम के लिए अंदर पानी रखना ज़रूरी है, बिल्कुल भूलना मत। पानी उबल जाने के बाद हम ऐसे ही डब्बे में भी रख सकते हैं। कुकर का डब्बा रहता है ना जब हम चावल बनाते हैं उसमें। तो हो गया रेडी और अभी इसे एकदम आसानी से निकल जाता है। इसे हम कट कर देंगे तो अच्छा अच्छा स्टफिंग वाला ढोकला बन जाएगा। और मित्रों, मेरा थोड़ा हल्दी कम हुआ है, आप थोड़ा सा और ज़्यादा डाल सकते हैं तो पीला कलर आएगा। ऊपर मिर्ची भी छिड़कना, बहुत सुंदर लगता है। और चाहे तो आप इसे थोड़ा तेल डाल के, मस्टर्ड डाल के वगार भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।